वेलकम टू माई चैनल मॉन्स्टर एडिट। सो गाइज, आज है हमारे हाथ में दो लेंस, एक 1855 और एक 75-300 mm। इस लेंस ने हमारे मतलब चैनल पर खूब ही धमाका उठा रखा है, जिसकी मतलब सारी वीडियो अच्छी रीच गई हुई है। तो इसी के लिए आज हम वीडियो बनाने यहाँ पर आए हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। सो गाइज, सबसे पहले इस लेंस के बारे में मैं कुछ बता दूँ। ये है 75-300 mm लेंस, जो कि कैनन कैमरे में हम लगा के यूज़ करते हैं, और इसका जूमिंग जो है मतलब 300 mm तक कहीं भी जा सकता है। और इसके बारे में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जो कि इस पे लिखा है, कैनन जूम लेंस EF 75-300 mm 1:4 to 5.63 तक। तो ये जो है लिखा है इसमें 1:4 तक, ये इतनी इसकी खूबी है, इतने तक ये मतलब जूम हो सकता है। और जो इसका जूम करने का प्रोसेस है यहाँ से, और फोकस का जो है यहाँ से, फोकस का हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ से, आगे से जो हल्की लाइन है यहाँ से फोकस होगा और इस वाली चीज़ से जूम होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना लंबा मतलब लेंस ये बाहर निकल सकता है। और इसके सामने लगा एक प्रीमियम इसका टेम्पर्ड, ये थोड़ा सा और जूम हो गया है। इधर से इसे कैमरे में लगाएंगे, जो कि इसका जैक है, यहाँ से ये कैमरे में जुड़ जाएगा। एक बार अभी हम कैमरे में लगा के देखेंगे, थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। यह है इसका ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, आप कैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मतलब ये जो एरो है, आप जितना जूम करेंगे वहाँ पर रुक जाएगा, जैसे 75, फिर 100, फिर 135, फिर 200, फिर 300। तो गाइज, ये जो इस पर साइन बना हुआ है पोर्ट्रेट का होता है, जैसा कि इसमें लिखा है 1.5 मीटर से 4.9 फीट तक ये पोर्ट्रेट कर सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के आगे पीछे का ब्लर कर सकता है और आगे का ब्लर कर सकता है, वो आपके हाथ में है आप किस तरह उसे यूज़ कर रहे हैं, मैनुअली या ऑटो फोकस। तो गाइस, अब तक तो थी इसके बारे में नॉलेज, अब हम देंगे मतलब इसको कैमरे में अटैच करके बताएंगे कुछ चीज़ें। और हमारे पास ये कैमरा है कैनन 1200D, आप देख ही सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेंस को जॉइंट करेंगे, लेंस इस तरह से लगाया जाता है, ये जो रेड डॉट है इसे यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इस तरह से पुश कर देंगे। उसके बाद ये कैमरे में फिट हो चुका है, फिर इसका सामने का सेटअप हटाएंगे, उसके बाद ऑन करके आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा कि कहां तक जूम कर सकता है, किस तरह से। तो गाइस देख सकते हैं आप, मतलब हमने यहाँ एक झाड़ी पर फोकस किया था, यहाँ इसका फोटो मतलब अच्छा आया, और आप देख सकते हैं वो कितनी दूर उसकी रेंज है। अभी हम इसे और जूम भी कर सकते थे, हमने मतलब पूरा इसका लेंस का वो खोला नहीं था। तो अभी थोड़े से और फोटोज लेंगे, दिखाएंगे आपको इस तरह के मतलब दूर के पास के पर हम इसका मतलब जूमिंग ट्राई करेंगे। वहाँ पे आपको अंकल जी दिख रहे हैं, तो उनका फ़ोटो लेने की यहाँ से मैं कोशिश करूँगा, क्या पता है इस लेंस की मतलब खासियत देखते हैं वहाँ तक जूम कर पाता है कि नहीं। तो गाइस फाइनली अंकल जी आ रहे हैं, मतलब और आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी आ गया उनका, मतलब इतने से लेंस में मतलब बहुत ही जूम हो गया है, यहाँ पर भी इतना साफ फोटो आप देख ही सकते हैं। तो इसकी ये जूमिंग की खूबियत तो आपको पता चल गई होगी। अब एक मिडल लेंस से थोड़ा सा फोटो लेके देखेंगे किसी चीज़ का। तो गाइस जैसा कि आपको यहाँ पे एक झाड़ी और वहाँ पर मतलब कुछ बत्तख दिख रही होंगी, तो मैं आपको बताऊँगा देखो इस लेंस की एक और खासियत, जैसे कि अगर आप ऑटो फोकस पर कैमरा चला रहे हैं, तो अगर आप इस झाड़ी पर रख के अपना फोकस बनाएंगे तो ये पीछे का सब कुछ ब्लर कर देगा, जैसा कि अभी हो रहा है। और यहाँ पे हमने फ़ोटो भी ले लिया है, आप देख सकते हैं पीछे का बिल्कुल ब्लर है। और अगर ऐसा ही सामने वाली बत्तखों के साथ करते हैं, तो गाइस देख सकते हैं आप बत्तख का ही मतलब फ़ोटो आ गया है इसमें, और आगे का इस बार ब्लर हो गया। तो आप इसे मतलब ऑटो फोकस पर रहकर भी चला सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में मतलब हम, कि अच्छा लेंस है,
आप ऑटो फोकस पे चलाएंगे तो आगे का ब्लर कर लेगा, अगर पीछे का सब्जेक्ट देना होगा आपको और आगे का सब्जेक्ट देना होगा तो पीछे का ब्लर कर लेगा। मतलब ये खासियत इसमें खुद ही है, ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, आप यहाँ से इसे मतलब कर सकते हैं स्टार्ट। तो गाइस जैसा कि हमने इसकी दो तीन खूबियाँ आपको दिखा दी हैं कि इसने मतलब ये कैसे काम करता है जूम के लिए भी और मिडल रेंज के लिए भी, तो गाइस इसे आप अपनी फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। वीडियोग्राफी में तो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है, उसकी वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे कभी ना कभी। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया इसका रिव्यू मतलब मिडल रेंज और शॉर्ट रेंज का, और वीडियो के लास्ट में और फोटोज़ भी यहाँ पर जोड़ देंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। वो फोटोज़ इसी के द्वारा लिए गए हैं और पास के ही फोटोज़ हैं उसमें और दूर के ही फोटो हैं, मतलब जूम भी पता चल जाएगा और मिडल रेंज का जूम भी पता चल जाएगा इसमें। जैसा कि आपने इस लेंस की और वीडियोस को भी प्यार दिया, ऐसे इस वाली वीडियोस को देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।